अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राज्य के नौजवानों के हित में है और हमने जो प्रश्न लाया है वो स्पष्ट है कि राज्य के 24 जिलों में होमगार्ड्स की बहाली होनी थी और वो होमगार्ड्स की बहाली 24 जिलों में है। सरकार ने कहा कि हमने 16 जिले में लगभग बहाली की प्रक्रिया पूर्ण की है, 8 जिलों में अभी हमने प्रारंभ भी नहीं किया। सरकार कुछ कहे उसके पहले मैं अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, ये कि पिछले सत्र में भी सरकार ने आश्वासन दी और वो आश्वासन अध्यक्ष महोदय संबंधित था राज्य की जाति जनगणना का। सरकार सदन में आके कही कि भाई जाति जनगणना हम कराना चाहते हैं और 5 महीने में सरकार ये भी तय नहीं कर पाई कि भाई जाति जनगणना कराए तो हम किससे कराए। ग्रामीण विकास हाथ उठा रही है कि भाई मेरे विषय नहीं है, भाई ग्रामीण विकास के नाते यहाँ मंत्री जी उत्तर नहीं दिए थे, मंत्री जी ने उत्तर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दिया था, उनको सरकार को अब तक निर्णय लेना चाहिए था। और सरकार अगर विधानसभा में कह करके 5 महीने तक कुंडली डाल के बैठे रहेगी तो फिर इन प्रश्नों को जो मैंने सामने लाया है उस पर भी उत्तर अगर सरकार देगी तो उस पर हम कैसे भरोसा करें अध्यक्ष महोदय। और राज्य का ये सर्वोच्च सदन है इसलिए मैं आपके सामने इस विषय को लाया हूँ। राज्य के लिए जाति जनगणना और माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब से तो आज्ञा पूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता है कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी, वो खुद जाति जनगणना के पक्षधर है, पूरी कांग्रेस पार्टी पक्षधर है, गठबंधन सरकार पक्षधर है, तो फिर सरकार ने अब तक जाति जनगणना पर क्यों नहीं निर्णय लिया। माननीय मंत्री, आज माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी का जो प्रश्न आया है उन्होंने खुद बताया कि 16 जिला का हुआ, 10 जिला का नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बाकी जिलाओं में भी हम लोग बहुत जल्द कर देंगे। इनके साथ साथ माननीय सदस्य ने यह बात उठाई कि सरकार की तरफ से मेरे द्वारा सदन में यह बात कही गई थी कि जातीय जनगणना हम लोग शुरुआत करेंगे। मुझे भी खेद है कि हम लोग अभी तक 6 महीना बीत गया है, हम लोग नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर मैं आश्वस्त करते हैं इसके संबंध में बहुत जल्द निर्णय करके जातीय जनगणना पर हम लोग आगे। माननीय सदस्य, धन्यवाद। जब आप पूछ रहा हूँ कि यह जो 16 जिले हैं उसमें कितनी रिक्तियां थी, जिनमें अब तक कितनी बहालियां हुई और ये 8 जिले में किन कारणों से अब तक बहालियां नहीं हुई और अब रिक्तियां वहाँ कितनी बची है, अगर ये 4 वर्ष इनको केवल बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करने में लगी तो सरकार हमें बताए इन रिक्तियों को कितने दिनों के अंदर भरेगी। आगे बढ़ेंगे। 16 जिला में अभी तक हो चुका है, संख्या तो मेरे पास है नहीं, संख्या कितने लोगों का बहाली होगा उसका जवाब हम माननीय सदस्य को दे देंगे। और ये 6 जिला छुटा हुआ है उसको भी बहुत जल्दी हम लोग करा लेंगे। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि माननीय सदस्य को दे देंगे। मैं सदन में इस विषय को लाया हूँ, सदन में ये बातें आनी चाहिए। मुझे पता है कि इन जिन 16 जिलों की बहाली की ये बात पूर्णता की बात कर रहे हैं वहाँ भी बहालियां अधूरी है, वहाँ भी बहालियां पूरी नहीं हुई है। मुझे पूरा यकीन है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 3 जिले देवघर, गोड्डा, दुमका को तो मैं बड़ी नजदीक से जानता हूँ और इन 8 जिलों में बहालियां प्रारंभ भी नहीं हुई है, खुद सरकार मान रही है। और यह भी सरकार को पता होना चाहिए कि जो होमगार्ड की बहालियों में नौजवान जाते हैं 50% उनके लिए पुलिस के लिए आरक्षित होता है, उन नौजवानों के भविष्य पर भी खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए सरकार सदन में बताए। अध्यक्ष महोदय, मैं सहमत नहीं हूँ कि कितनी बहालियां हुई, कितनी खाली है और कब तक प्रारंभ। महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि 16 जिला में बहाली हो चुका है, 8 जिला में अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। माननीय सदस्य अगर कहते हैं तो इसी चलती सदन में अभी वस्तु स्थिति क्या है उनको अवगत हाउस में ही करा देंगे।